हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब डिटेक्टर में। आज है 26 सितंबर, और 26 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं A to Z आपको बताएंगे। ये आपका जितने भी करंट अफेयर है, SSC, CGL 2021, UPSC 2021, NDA 2021, BPCA और बाकी जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, सब में गाइज आपको ये आने वाले हैं ये क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पराग्वे देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहला ऑप्शन है महेश पांडे, और ऑप्शन बी है योगेश्वर संगवान, ऑप्शन नंबर सी है विकास देसवाल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा योगेश्वर संगवाना को गाइज नियुक्त किया गया, एज ए अपॉइंटमेंट किया गया किसमें, तो देखिए प्रागवे देश के राजदूत के रूप में, भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया किसे, तो योगेश्वर संगवान को। आइए इससे रिलेटेड कुछ और बातें जान लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि देखिए योगेश्वर संगवाना को प्रागवे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए, 1994 बैच के IAS अधिकारी योगेश्वर संगवान वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। फिलहाल वो कहाँ, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इससे पहले वो कहाँ पे थे। देखिए, प्रागवे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, यह जानकारी विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई है। ये सब बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर दो क्या है कि 65वें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, KS सिघानिया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिएगा आपका HE सादिक, ऑप्शन बी है VR सक्सेना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, HE सादिक को नियुक्त किया गया। आइए इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, HE सादिक को 65वें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा विपिन कुमार शेखावत, जिनके जगह लेंगे कौन, HE सादिक। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए, बात करें तो HE सादिक जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने में अपना अहम योगदान देगा। तो ये से 3 से 4 क्वेश्चन इसे निकल के आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अपने माइंड में रखिएगा, आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, बांग्लादेश के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो आइए इसके आंसर जान लेते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, देखिए फेरोज भेंजा बिधर, ऑप्शन बी है निकोला सेमरॉन, ऑप्शन सी है विक्टर पेरुल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा फेरोज भेंजा बिधर को चुना गया किसके लिए, तो 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, बात करेंगे तो देखिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उनके काम के लिए बांग्लादेश के फरोज बेंज बैधिर को 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को सम्मानित करता है जिसे व्यक्तिगत अनुभव या नेतृत्व की स्थिति से परिवर्तन को प्रेरित किया है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ये अवार्ड के रिलेटेड क्वेश्चन है कि चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसको दिया गया। तो याद रखिएगा फरोज फेंज बेधर को दिया गया, जो कि बांग्लादेश के निवासी है, और इनके अच्छे कामों के लिए, स्वस्थ व्यवस्था के लिए इनको दिया गया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 5 क्या है, लॉन्च पुस्तक डांसिंग विद अ ड्रीम के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए। देखिए इसका ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन है विकास देवगन, ऑप्शन बी है आदित्यनाथ दास, ऑप्शन सी है नरेश अग्रवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आदित्यनाथ दास ने यह लिखी है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास ने अपनी पुस्तक नई डांसिंग विद ड्रीम लॉन्च किया है। यह पुस्तक कई प्रतिभागियों के लिए शीर्ष नौकरशाह में एक गहन विचारक और एक भावुक प्रेमी का मिलना का एक सुखद आश्चर्य को दर्शाता है। यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि राइटर्स हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बात करते हैं। दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए, सुशीला का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी। देखिए ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी है लेखक, ऑप्शन सी है स्वतंत्र सेनानी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये कौन थी, तो याद रखिए एक स्वतंत्र सेनानी थी, कौन थे, सुशीला, जिनका हाल ही में उनका निधन हो गया है। आगे बात करते हैं, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, स्वतंत्र सेनानी एवं प्रसिद्ध वर्ड
परिवार की वरिष्ठ सदस्य जी सुशीला का बुधवार देर रात शाम उनके अनकार स्थित घर में निधन हो गया। सुशीला 100 वर्ष की थी और वो पिछले 8 वर्ष से बिस्तर पर थी। सुशीला का जन्म 1921 में अनकर्रा वडकत थरवडू में एक नमवर घराने में हुआ था। सुशीला का उस समय स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया जब वह मद्रास में पढ़ रही थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इनसे दो क्वेश्चन बन सकता है कि ये इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ जन्मी थी और ये कहाँ पे पढ़ रही थी जिस समय इन्होंने स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पंजाब राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्योंकि पंजाब के में पंजाब का जो राजनीति है उसमें बहुत कुछ चल रहा था, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए ऑप्शन है कपिल सक्सेना, ऑप्शन बी है अरुणित तिवारी, ऑप्शन सी है विकास दुबे या ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा, अरुणित तिवारी को नियुक्त किया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए बात करें तो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी अरुणित तिवारी को गुरुवार को पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है जो विनीत महाजन की जगह लेंगे। याद रखिए किनके जगह लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करें तो देखिए महाजन को अब विशेष मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, उनको गाइस विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के अधिकारी तिवारी ने राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया हुआ है। पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के ओर के, देखिए भारतीय विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान के दौरे पर गई है। कौन, तो देखिए विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी। बात करते हैं इसके बारे में, देखिए बात करें तो भारतीय विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी उज्बेकिस्तान देश का आधिकारिक यात्रा पर गई है। कोलंबिया और न्यूयॉर्क की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौर पर यहां पहुंच गई है। इस दौरान वह शांति रक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हिस्सा लेगी, भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेगी। लेखी पहली बार कोलंबिया जाएगी जहाँ पर वह 4 से 6 सितंबर तक रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 9 कि वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने। देखिए ऑप्शन बी है बॉयलर शेल्वी, ऑप्शन बी है ब्रेन डेब्यू। आगे बात करते हैं, देखिए अगला है ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 2021 के फुटबॉलर बन चुके हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं, देखिए वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं जिन्होंने लियोन मेसी को पछाड़ कर 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया है। फॉर्ब्स के मुताबिक उनकी आय 2021 में $585 मिलियन रही जो कि पिछले साल $570 मिलियन थी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने थोरियम से चलने वाले परमाणु स्वतंत्र का परीक्षण करने की घोषणा की है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर चीन, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी है रूस या ऑप्शन डी है जापान। तो ध्यान रखिएगा इसके आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन ने। आइए बात करते हैं आखिर ये है क्या और किस लिए किया गया। तो देखिए चीन जल्द ही थोरियम से चलने वाले परमाणु स्वतंत्र परीक्षण करने वाला देश है। यह परीक्षण गोबी रेगिस्तान में स्थित देखिए UAE नाम की जगह पर किया गया है। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो देखिए थोरियम को परमाणु ऊर्जा बनाने का सस्ता और अपेक्षाकृत सुरक्षित स्रोत समझा जाता है। इसके संयंत्र से ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती है जैसे कि यूरेनियम के मामले में होता है, लेकिन अभी थोरियम के व्यापारिक स्तर की परमाणु ऊर्जा बनाने की क्षमता किसी देश के पास नहीं है। तो ये था दोस्तों आज के 26 सितंबर के जितने भी सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह डेली करंट अफेयर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।